नहीं हुआ क्या? मैच एंड नहीं हुआ जबकि मैच और ये पहली गेंद फुल टॉस, चार रनों के लिए खेल दिया है अंपायर अमोल का इशारा, चार रन। हेलो, अच्छा कम बैक, अच्छी लाइन का प्रदर्शन, यॉर्कर लेंथ की दिशा में गेंदबाजी, डॉट कराने में कामयाब। अच्छी शॉट खेल दिया गया आप मैच चार रनों के लिए, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन। एक ओवर की समाप्ति पर हेलो, एक ओवर की समाप्ति पर 14 रन ऑन स्कोर बोर्ड विद लॉस ऑफ नो विकेट। अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए टीम जीने को मैच जीतना आवश्यक। प्रकाश अपनी गेंदबाजी पर और ये छह रनों के लिए रूम देते हैं अपर प्रकाश। करनी होगी हमें कम बैक करना होगा प्रकाश को, यहां पर गेंद को टप्पा रखना पड़ेगा ऑफ स्टंप की दिशा में, फुल लेंथ गेंदबाजी करनी होगी रनों की गति को अगर रोकना है तो, जिम्मेदारी से खेलना होगा।
फिर से एक बार फुल टॉस, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। सोच समझ के गेंदबाजी करनी होगी, ऑफ स्टंप की दिशा में आगे की तरफ गेंद करनी होगी। फिर से फुल टॉस गेंद करते हुए, हालांकि लोअर फोर टॉस की वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज, एक रन से संतुष्ट। लगातार उसी की दिशा में गेंदबाजी, वही लेन लेंथ से। थर्टी रन्स आफ्टर टू ओवर्स। दो ओवर की समाप्ति पर तीसरा नॉन स्कोर बोर्ड विद लॉस ऑफ नो विकेट। अंशुल नेक्स्ट बॉलर, देखते हैं अंशुल अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। और ये फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, और ये आउट। हा मित्र परत पाहिजे पाहिजे। विराट कोहली कोण आपला ओरिजिनल त्याला द्यायचा। और ये अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर अमल द्वारा। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छा एग्जीक्यूशन, छह रनों के लिए। थोड़ा सा ही रूम मिलते ही बैट्समैन आकर प्रहार करते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, शायद अगर एलबीडब्ल्यू होता तो शायद ये विकेट का पतन यहां पर देखने को मिलता।
अच्छा कम बैक हुआ पर बैट्समैन का, 6 रनों के लिए खेल दिया है सीधा स्ट्रेट में। फोर्टी सेवन रन ऑन स्कोरबोर्ड विद द लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर थ्री ओवर्स। फिर से एक बार कांदर पावना और सेकंड ओवर, देखते हैं अपने टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। और ये अच्छी लाइन लेन का प्रदर्शन, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया बल्ले गेंदबाजी यहाँ पर कंदर द्वारा। अपनी टीम को रन को कंट्रोल करना है तो यही लाइन लेन से बॉलिंग करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी होगी कंदर को। और ये जैसा कि मैंने कहा अच्छी गेंदबाजी और ये विकेट का पतन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, यही लाइन लेंथ दिशा से बॉलिंग करनी होगी कांदब को, जिम्मेदारी से खेलना होगा अगर स्कोर को कंट्रोल करना है तो। ये मैच जितना उतना इंपॉर्टेंट है जितना टीम में टूर्नामेंट में बने रहना। फिर से एक बार लाइन लेंथ का दिशा का प्रदर्शन यहां पर, डॉट गेंद कराने में कामयाब। इस ग्राउंड पे अगर जो बॉलर डॉट गेंदबाजी कर सकता है वो बढ़िया बॉलर कहला जाता है। बहुत ही रेयर होता है इस ग्राउंड पर बॉल डॉट निकालना। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कांदर द्वारा, फिर से एक बार वही दिशा में एज लगते हुए टॉप एज, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और स्वराज ऑन स्ट्राइक, 38 रन अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए, 15 गेंदों में 2 चौके 6 4 6 किए प्रदर्शन करते हुए। और ये घुमा दिया है सीधा 4 रनों के लिए, एक हाथ से बल्लेबाजी करते हुए स्वराज। आपका मैच है नेक्स्ट मैच, जल्दी बुलाओ फिर टॉस करना है। 53 रन ऑन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 4 ओवर्स। फिर से एक बार अंशुल के हाथों में गेंद, देखते हैं अंशुल अपने टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं।
और ये हवा में खेल दिया है सीधा प्लेयर बॉल के नीचे, और ये अच्छी कैच हुआ पर लोकेश द्वारा। और जैसे कि टूर्नामेंट के रूल के हिसाब से पहली गेंद पर विकेट का पतन होते हुए -4 रन यहां पर बैटिंग टीम के खाते में जुड़ते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का लाइन लेन का प्रदर्शन अंशुल का, पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाब और अपने टीम में 4 रनों का योगदान ऐड करते हुए। बैट्समैन नेम प्लीज। 12th मैन प्लीज कम एंड डग आउट। 12th मैन। और ये फिर से एक बार यॉर्कर दिशा की गेंदबाजी करते हुए अंशुल, लगातार दूसरी गेंद दूसरा विकेट, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। काफी अच्छा प्रदर्शन अपने टीम के लिए अंशुल द्वारा, लगातार 2 गेंदे 2 विकेट, और ये हैट्रिक का मौका अंशुल को। बैट्समैन नेम 12th प्लीज कम इन डग आउट। 12th मैन को भेज दिया जाए वरना आपको 10 रन की पेनल्टी लग सकती है। 10 रन का पेनल्टी नहीं चाहिए तो 12th मैन प्लीज कम हियर। और ये अंशुल ऑन हैट्रिक, देखते हैं अंशुल अपनी तीसरी गेंद तीसरी विकेट के लिए डाल पाते या नहीं। और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सटीक दिशा में ऑफ स्टंप की काफी क्लोज गेंदबाजी करते हुए अंशुल, शायद ही यहां पर हैट्रिक लेने में कामयाब हो सकते थे बट थोड़े से चुके यहां पर अंशुल। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया यॉर्कर। अगर LBW यहां पर रूल्स में होता था तो शायद यह विकेट का पतन हो चुका होता। बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए अंशुल, काफी अच्छा प्रदर्शन। फिर से एक बार अच्छी गेंद, स्वराज को काफी हद तक बांध के रखने में कामयाब, जबकि स्वराज 43 रन अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, और उतना ही अच्छा कमबैक टीम जेएनयू द्वारा अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। यहां पर फिर से एक बार डॉट बॉल करने में कामयाब, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर अंशुल द्वारा, तारीफ करनी होगी। काफी अच्छे से बांध के रखा, -4 और 2 विकेट्स यहां पर लेने में कामयाब। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर अंशुल द्वारा, दो रन देख के 2 विकेट लेने में कामयाब। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अंशुल द्वारा। अगले गेंदबाज कैप्टन यहां पर जिम्मेदारी लेते हुए मितेश पटेल। -4 वाले 55 रन स्कोर बोर्ड विद द लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति और आखिरी ओवर इस इनिंग का, कैप्टन जिम्मेदारी लेते हुए।
छह रनों का इशारा अंपायर विनोद द्वारा और फ्री हिट मिलेगी बैट्समैन को। अच्छा कमबैक, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा स्वराज को। स्कोर को अगर बांध के रखना होगा तो अच्छी लाइन लेंथ में बॉलिंग करनी होगी कैप्टन मितेश को। यहां पर ऑफ स्टंप फुल लेंथ बॉल गेंदबाजी करनी होगी और ये फिर से एक बार खराब लाइन लेंथ का प्रदर्शन, छह रनों के लिए खेल दिया है। 63 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए टोटल स्कोर 69 रन। फिर से एक बार अच्छा कमबैक, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये रन आउट, मैन इन फॉर्म स्वराज का विकेट लेने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे स्वराज। अरे बैक क्यों नहीं आ रहा है? कितना हुआ? और ये लोड फुल टॉस और ये कैच यहां पर प्रशांत द्वारा, बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए कैप्टन विशाल का यहां पर सस्ते में विकेट का पतन। और ये लाइन से भटकते हुए बहुत ही बाहर की दिशा में वाइड बॉल का इशारा अंपायर विनोद द्वारा। आखिरी गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर छह रनों के लिए खेल दिया है। सेवेंटी एट रन आफ्टर सिक्स ओवर्स विद लॉस ऑफ सिक्स विकेट्स। टीम जेनेवीव को ये मैच जीतने के लिए 79 रन बनाने होंगे। अच्छा प्रदर्शन टीम प्राइड का यहां पर, 78 रन पर रोकने में कामयाब। और ये मैच जीतना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना टूर्नामेंट में बने रहना है। ओपनर्स को यहां पर अच्छी जिम्मेदारी लेनी होगी। मार गया लो क्या?
अपने ओपनर्स को अच्छे से जिम्मेदारी होगा अगर ये मैच को जीतना है टीम प्राइड को। छत्तीस बॉल मध्ये 10 कनेक्ट करायचे अंशुल भाई, अंशुल भाई 36 गेंद में सिर्फ 10 कनेक्ट करना है, शांति से खेलो, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा हर बॉल पे मारना है। लोकेश गाड़ी करो तो मागचे जा और यहां पर अगली इनिंग टीम जेन्यू प्राइड 79 हैव टू चेस टू विन दिस मैच। बैट्समैन लोकेश एंड अंशुल ऑन स्ट्राइक, लोकेश स्ट्राइक। Required 79 runs in 36 balls to win this match. Have to pay some patience to win this match. चार रन से शुरुआत होगी इस इनिंग की, जैसा कि पेनल्टी लिया था जेनिविया ने। और ये पहली गेंद पर सिंगल लेते हुए लोकेश, एक बॉल 5 रन जेनिव प्राइड के खाते में जुड़ते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉल यहां पर लोकेश द्वारा। और ये बाई रन हो सकता है, अंपायर का इशारा हो सकता है, और ये नहीं, एज था शायद। और ये मिस फील्ड, और ये 4 रन, बॉलर की चूक, कीपर की चूक, फील्डर भी चूके वहां पर। और ये गलत लाइन की वजह से कीपर बीट, फील्डर भी बीट, और 4 रन का खामियाजा प्लस वाइड बॉल का 1 रन। 2 बॉल में 11 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। शुरुआत अच्छी होती हुई यहां पर जेनिव प्राइड की, और उसको बरकरार रखना होगा अगर इस मैच को जीतना होगा तो पेशेंस से खेलना होगा। जिम्मेदारी से खेलना होगा, ओपनर्स को ज्यादा देर वहां पर क्रीज पे रुकना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है जेनिव प्राइड को। प्लेयर ग्राउंड के अंदर आ जाए, यस बॉल गया उधर।
बहुत ही गलत दिशा में गेंदबाजी और ये नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। फ्रीड की गेंद यहां पर, अंशुल क्या कर पाते देखते हैं। और ये खेल दिया हवा में और ये फ्रीड की गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज अंशुल को। नहीं, ओवर होने दो, ओवर होने दो। तीन गेंद में 14 रन खाते में जोड़ते हुए और ये बहुत ही अच्छी शॉट, 4 रनों के लिए खेल दिया लोकेश ने। और ये बैट का इशारा करते हुए लोकेश बैट बदलना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर लोकेश द्वारा, 6 रन लेने कामयाब, 24 रन। अच्छा कमबैक, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। runs after one over with the loss of no wicket. 54 runs required in 30 balls. Have to play patiencefully. इसलिए मैं बोल रहा था खा ले भाई, वो कमीना देगा भी नहीं मेरे को। अच्छा,
और ये अच्छा कम बैक यॉर्कर दिशा में गेंद, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे यो लोकेश वहां पर। विकेट का पतन, बड़ा विकेट यहां पर टीम जेन्यू प्राइड का। और ये अच्छी कॉलिंग बिटवीन विकेट, एक रन चुराने में कामयाब कैप्टन मितेश। पचास रन बनाने होंगे 25 गेंदों में मैच जीतने के लिए। और ये स्वीप, रिवर्स स्वीप खेलने की प्रयास, डॉट गेंद। दो ओवर की समाप्ति पर 29 रन विद लॉस ऑफ वन विकेट। अंपायर का इशारा, ओवर, कितना ओवर की समाप्ति, 29 रन विद लॉस ऑफ वन विकेट। संदीप दुबे अगले गेंदबाज, देखते हैं संदीप अपने टीम के लिए क्या प्रदर्शन, क्या योगदान कर पाते हैं। खेल दिया लेग साइड की दिशा में, एक रन लेने में कामयाब। 49 रन रिक्वायर्ड इन 23 बॉल्स। और ये लंबा शॉट मारने का प्रयास, बट चूके यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्रीज पे बने रहना होगा अंशुल और कैप्टन मितेश को अगर ये मैच जीतना है तो। 48 रन रिक्वायर्ड इन 22 बॉल्स। बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर मितेश के बल्ले से निकलते हुए। काफी अच्छा शॉट मितेश के बल्ले से निकलते हुए, एक अच्छा संकेत वहां पर के लिए। इसे एक बार खेल दिया है 6 रनों के लिए। और ये बाहर जाते हुआ गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर अमोल द्वारा। कमबैक करने की अच्छी सोच यहां पर बॉलर की। मैच बॉल यहां पर अंदर आते हुए, 35 रन रिक्वायर्ड इन 20 बॉल्स। बने रहना होगा यहां पर, फिर से एक बार बाहर बाहरी दिशा में वाइड बॉल का इशारा। उसको बोलो पानी देने जाएगा ना, खड़े रहो, ओपनिंग जो जोड़ी है बनाए रखो, आराम से रन आएगा, बॉल मिलेगा कोई हिट करो, पर बॉल पे मारने की जरूरत नहीं है, आराम से खेलो।
से पर बोले मारे की गर्मी कर गए। और ये कैप्टन का विकेट का पतन होते हुए पर बॉल पर छह मारने का प्रयास बट नाकामयाब, अपना विकेट का पतन होते हुए। अजहर पटेल नेक्स्ट मैन ऑन स्ट्राइक। runs required in 19 balls. और ये बहुत ही क्लोज गेंद, हालांकि लेग साइड में जाते हुए वाइड बॉल का इशारा अंपायर अमोल द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये हवा में विकेट का पतन, अपना विकेट गंवाते हुए। तो ये तो है ना अरुण, अरे वो छोड़ो यार, तीसरे को मारने की क्या जरूरत है तुमको, दो अच्छा सा कनेक्ट कर रहे हो यार मितेश भाई, इतना सही कनेक्ट किया, यॉर्कर बॉल है, डिफेंस करो ना यार, यॉर्कर बॉल को कौन मारता है। थर्टी थ्री रिक्वायर्ड इन 18 बॉल। अंशुल को जिम्मेदारी से खेलना होगा अगर इस मैच को पार लगाना होगा, शांति से जिम्मेदारी से खेलना होगा, जिस गेंद को मारने की जरूरत उसी को मारना होगा। अच्छे गेंदबाज यहां पर विशाल अपना दूसरा ओवर कराते हुए। सटीक दिशा में गेंदबाजी, उतना ही अच्छा शॉट, एक रन को कन्वर्ट करने में कामयाब अंशुल। स्ट्राइक रोटेट करना होगा यहां पर, सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी अगर टीम जेनिव को ये मैच जीतना होगा। यही एक निशानी होती है अच्छे इंसान की। फिर से एक बार सटीक दिशा में गेंदबाजी करते हुए मिस्टर विशाल पवार काफी हद तक कामयाब होते हुए। सोलह गेंदों में 32 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। अरे उसको अंशुल को स्ट्राइक दो, सचिन का बोल सचिन बोल सचिन। और ये काफी अच्छा प्लेसमेंट, यही सूझबूझ वाली बैटिंग करनी होगी टीम जेनियू को, रोटेट करना होगा, अच्छे बल्लेबाज को स्ट्राइक पे रखना होगा, जितना वो गेंद अंशुल खेलेंगे उतना ही अच्छी मैच बनेगी। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर विशाल द्वारा, अपना दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। और ये लंबा शॉट खेलने का प्रयास,
बहुत ही दिशा से भड़कते हुए विशाल, हालांकि उनकी सोच अच्छी थी वाइड दिशा में गेंदबाजी करने की, बट अपने लक्ष्य से चूके। फिफ्टी रन यहां पर पूरे टीम जेनयू के। फिर से एक बार वही दिशा में गेंदबाजी, बट एक रन लेने में कामयाब। और ये वाइड बॉल का इशारा, शायद थोड़े थकावट महसूस करते हुए विशाल। हालांकि अब तक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन विशाल द्वारा। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, छह रनों के लिए एक्सोटिक का एंड, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अंशुल। ऐसे ही सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी अंशुल को मैच जीतने के लिए। उनकी बहुत ही बढ़िया 58 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड आफ्टर 4 ओवर्स 58 रन्स। काफी बढ़िया बल्लेबाजी अंशुल को इसी दिशा में गेंदबाजी, बहुत सॉरी बल्लेबाजी करनी होगी, जिम्मेदारी से खेलना होगा अंशुल को यह मैच जीतने के लिए। 58 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 21 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल। पानी पिलाते रहिए, धूप काफी तेज, कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। जितनी ज्यादा स्ट्राइक अंशुल के पास रहेगी उतना ही ज्यादा चांसेस बनेगा, सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी। आपकी मजा आएगा। अब आ गया शेर जंगल में, ऐसा घूमेगा ऐसा छुटेगा जितना शिकार मिलेगा। इक्कीस रन की जरूरत यहां पर 12 गेंदों में, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। मितेश भाई, मितेश भाई, मितेश भाई, उसको बोलो स्ट्राइक रोटेट। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो यहां पर विशाल दो, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और ये अंशुल ऑन द स्ट्राइक, देखते हैं अगली गेंद को कैसे फेस करते हैं अंशुल, सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी अंशुल को। बहुत ही बढ़िया शॉट, छह रनों के लिए खेल दिया अंशुल ने। जितना स्ट्राइक अपने पास रखेंगे उतना ही मौका बरकरार होते हुए, जितनी ज्यादा बॉल अंशुल खेलेंगे उतना ही बढ़िया टीम जेनयू के लिए। और ये हवा में गेंद, नो मैन, बहुत ही बढ़िया मौका था टीम जेनिविया के हाथ में, और ये अच्छा मौका गवाते हुए गैप में गिरती हुई गेंद,
देखते हैं अब ये क्या छूटा है या मैच छूटा है, रिजल्ट अभी डिसाइड होगा। बहुत ही अच्छी मैच यहाँ पर, टीम जेनीवी अच्छी प्रदर्शन करते हुए 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। छह रन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर अंशुल द्वारा। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत, काफी रोमांचक यहां पर मैच होते हुए। बॉल टू रन यहां पर, क्रीज पे रुके रहने की जरूरत और ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं टीम जेनेवी प्राइड को, शांति से दिमाग से खेलना होगा। पांच गेंदों में 5 रनों की जरूरत, काफी रोमांचक सिचुएशन में ये मैच, बढ़िया मैच होते हुए। बॉल टू रन, किसी भी साइड में कभी भी ये मैच झुक सकता है दोनों साइड को। और ये हवा में गेंद, बॉलर बॉल के नीचे और ये विकेट का पतन यहां पर, बढ़िया विकेट लेने में कामयाब, एक बड़ी विकेट का पतन यहां पर, हालांकि जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर अंशुल की द्वारा, अच्छा प्रदर्शन अपना टीम के लिए, एक अच्छा योगदान, देखते हैं ये योगदान नैया पार कर पाता है या नहीं। शाहिद कपूर, अगला बैट्समैन कांदर पॉन स्ट्राइक। चार गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता, और ये विकेट का पतन, बैट लेके जाओ, और ये यहां पर काफी टाइट सिचुएशन, तीन बॉल में 5 रन बनाने की आवश्यकता टीम जेनेवी को अगर ये मैच जीतना है। काफी क्लोज मैच यहां पर, अच्छा प्रदर्शन यहां पर टीम जेनेविया का, बॉलिंग साइड का काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। काफी अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, बहुत ही बढ़िया,
बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, दो बॉल में 5 रनों की आवश्यकता, बहुत ही अच्छा कमबैक मैं कहूंगा टीम जेनिविया का इस मैच में। लगभग ये मैच जेनिव प्राइड के झोली में गिर चुका था, बट वहां से निकाल के लाने में कामयाब टीम जेनिविया। और ये अच्छा शॉट यहां पर प्रशांत का, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा पड़ेगा, एक बॉल में 4 रनों की आवश्यकता। देखते हैं अभी ये शाहिद क्या प्रदर्शन कर पाते हैं, एक बॉल में 4 रनों की आवश्यकता, एक लंबा हिट मारने की जरूरत, बड़ा शॉट खेलने की जरूरत अगर ये मैच जीतना होगा। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम बॉलर विशाल की, बहुत ही अच्छा कमबैक करने में कामयाब। और ये बढ़िया गेंदबाजी, डॉट बॉल, मैच अपने खाते में डालते हुए विशाल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। टीम जेनिविया वन दिस मैच। अच्छा टीम का प्रदर्शन।